दोस्तों, अगर आपको भी कोई गलत सलत बोलता है और आपके बारे में गलत सोचता है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको उसी स्थिति में क्या करना चाहिए और आपको उनसे कैसे बचना चाहिए। बस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल पर आपको मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, आपका कोई घर वाला, जो आपका सगा संबंधी हो, अगर आपको अपशनाप बोलता है, गलत सलत बोलता है कि आप ज़िंदगी में टाइम बर्बाद कर रहे हो, आपको इतना टाइम हो गया, आपकी जॉब नहीं लग रही है, वो आप पढ़ाई नहीं करते, बस एक मतलब बिना फालतू का ही टाइम बर्बाद कर रहे हो, ऐसे ऐसे अगर कोई बोलता है ना, तो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। ये पहले स्टूडेंट जो होते हैं वो उनको जवाब देते हैं, तुझे उससे क्या लेना देना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पहले स्टूडेंट उनको बोल बोल के समझा देते हैं, ठीक है। और जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं वो उनको इग्नोर करते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, उनको इग्नोर करना है, उनका कोई भी सवाल का आपको जवाब नहीं देना है, क्योंकि उनका बस बोलने का ही काम होता है। दूसरा इस स्टूडेंट को बोल दिया, ऐसे दूसरे लड़के को बोल दिया जो कुछ अच्छा करने की सोचता है ना, और सबको ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो उनका काम ही यही है, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, एक अच्छे आदमी में और एक बुरे आदमी में। जो अच्छा आदमी होता है ना, वो सबके बारे में सोचता है कि हाँ भाई, जो उस स्थिति से निकल के गया होगा ना, जो मेहनत करता है वो सबके बारे में सोचता है। और जो बुरा आदमी होता है ना, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता कि मेहनत क्या होती है क्या नहीं होती है, तो वो सबको गलत सलत ही बोलता रहता है, ठीक है। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर कोई गली से आदमी जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो अगर कोई पागल कुत्ता उसको मिल जाता है ना, तो एक अच्छा आदमी जा रहा है तो पागल कुत्ता उसको भी भौंकने लग जाएगा, ठीक है, उसको भी भौंकने लग जाएगा। और एक आदमी ऐसा जा रहा है, उस कुत्ते से छेड़ करता जा रहा है, वो उसको भी भौंकने लग जाएगा, क्योंकि उस कुत्ते को क्या पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन मेहनत करता है कौन टाइम बर्बाद करता है, उस पागल को क्या पता है, ये बताओ। उस पागल को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो पागल कुत्ता है ना, उसका काम ही भौंकने का है आने जाने वालों को। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ भैया, आपको कोई भी गलत सलत बोलता है तो उनकी बातों पे आप ध्यान मत दो बिल्कुल भी, उनका काम ही बोलने का होता है। बस अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो और अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, अपना पढ़ाई पे फोकस लगाओ। जितना टाइम आप उनके बातों को सोचने पे लगाओगे ना कि मुझे ऐसे बोल दिया कि तू पढ़ाई नहीं कर सकता, जितना टाइम आप उनकी बातों को सोचने में लगाओगे ना भैया, वो टाइम बर्बाद ही होगा आपको। आपको ये सोचना है भैया, ये तो बोलते रहेंगे, इनका काम ही बोलने का है, मुझे तो भैया अपना काम करना है, मुझे पढ़ाई करके अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने अपने गांव में, अपने शहर में, अपने ज़िले में अपना नाम रोशन करना है। बस आपको ये चीज़ सोचनी है। अगर आप उनकी बात में सोचते रह जाओगे तो भैया पढ़ोगे कब कब पढ़ोगे, ये बताओ। अगर आप उनकी बात ही अपने दिल में लेके बैठे रहोगे कि मेरे बारे में ऐसा सोचा जा रहा है कि तूने कुछ नहीं करता वो नहीं करता, तो भैया पढ़ोगे कब, ये बताओ। ना तो बताने से उनको कुछ फ़ायदा ही होगा। अगर आपके सामने कोई बोल रहा है कि तू पढ़ाई नहीं करता तू कुछ नहीं करता, तो अगर आप उनको एक्सक्यूज भी दोगे ना, आप उनको समझाओगे भी ना, तो भैया वो समझने वाले नहीं है, इस बात को आप लिख के ले लेना, वो समझने वाले है ही नहीं, क्योंकि भैया उन्होंने अपने दिमाग में यही सोच रखा है ना, क्योंकि उनको पता है तू पढ़ता नहीं है, तू कितना भी अच्छा रिजल्ट देता कितना भी कुछ अच्छा कर लेगा, उन्होंने यही सोच रखा है। तो भैया आपको भी जब जब वो ये सोच सकता है कि तू गलत है, तो आप ये भी तो सोच सकते हो कि वो गलत है। तो भैया आपको सारी बातों को छोड़ के उनको, अगर आप कोई को कुछ गलत बोलता है, मत ध्यान दो उनके बातों पर, खाली बिल्ली आपका टाइम बर्बाद होएगा। बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ठीक है, वरना कुछ नहीं हाथ आने वाला। आप उनकी बातों में उलझे रह जाओगे कि मुझको ऐसा बोला जा रहा है, तो बस इस चीज़ का यही सोल्यूशन है। ज़िंदगी में मेरी एक बात याद रखना, अगर आपने कोई अच्छा काम करना शुरू किया ना आपके लिए, अगर वो दूसरे को बुरा लग रहा है, दूसरे हंस रहे हैं आपको, तो ध्यान रख लेना वो काम आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होगा, आगे जाओगे उसमें आप नाम कमाओगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसमें आप गलत साबित कर दोगे सबको, आप उसमें परफेक्ट हो गए। जिस काम में भैया लोग हंसते हैं ना काम पे, तो वो काम आप अच्छा करने जा रहे हो, अच्छा करते हो तुम उस काम को, क्योंकि वो आपको पता होता है, वो किसी को नहीं पता होता है। तो बस मेरी ये बात याद रखना भैया, कि सबको इग्नोर करो, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे ना, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।